मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश राय के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंदौर की घटना बड़ी संवेदनशील है, जिसका परिवार गया है, बड़ी दुखद घटना है, जिसके परिवार के प्रति कांग्रेस परिवार की संवेदना है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है और 2023 में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमतों से बनेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने पर कहा कि पहले आप बीजेपी का मुख्यमंत्री बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया है? उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से बीजेपी डर रही है, क्योंकि पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बहुत दुख का विषय है, कोई भी हादसा होता है तो चोट पहुंचती है दिल को, कई लोग हताहत भी हुए उसमें, और हम सबकी संवेदना उस परिवारों के साथ है जिनके कोई ना कोई रिश्तेदार उसमें गया है। और मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा लड़ाकू है, जागरूक है, लड़ने वाला है, काम करता है, कांग्रेस के प्रति आस्था रखता है, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 4-5 साल में काम किया है और मैंने बड़े नज़दीक से अब 3-4 महीने में देखा है जब मैं यहाँ आया, तो कोई शक नहीं है, दोनों ही बातें हैं, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हमारी नीति कार्यक्रम अच्छे हैं, और बीजेपी का भ्रष्टाचार जनता के सामने है, तो 100% ही कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, क्या वो डिक्लेयर हो गए? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान से कोई परेशानी है, तभी तो उनको डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा इसका। बड़ी परेशानी में है कि भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार कैसे वोट मांगने जनता के बीच जाएगी। राहुल मालवीय, सीहोर।